फ्रेंड्स, मैं हूं तनुश्री और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूं ब्रोकली की सब्जी। ब्रोकली को मैंने क्रीम चीज के साथ बनाई हूं। ब्रोकली काफी हेल्दी सब्जी है जिसमें विटामिन सी, के और फॉलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें पाई जाती है। इसमें पोटाशियम, फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इसमें एक और चीज़ पाई जाती है जो कि है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ब्रोकली की सब्जी बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले ली हूँ और इसमें मैं अभी 4 टीस्पून तेल डाल देती हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर तेल डाली हूँ। मैं यहाँ पर टीस्पून इस्तेमाल कर रही थी इसलिए मैं यहाँ पर 4 टीस्पून तेल डाली हूँ। इसे अच्छे से कोट कर लें। कोट करने के बाद यहाँ पर मैं ये ब्रोकली को धो के साफ करके और छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे काट करके रखी हूँ। करीब 1 बाउल मैं ये ब्रोकली यूज कर रही हूँ। ब्रोकली को जो है थोड़ा फ्राई कर ले। इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि काफ़ी नरम रहती है ये सब्ज़ी, बहुत जल्दी पक जाती है। इन कंपेरेटिव अगर आप फ्लावर के साथ, मतलब कॉलीफ्लावर के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन रहती है। अगर आप इसे एज अ वेजिटेबल यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली इसे हम लोग सूप वगैरह में डाल देते हैं, लेकिन इसे एज अ वेजिटेबल जैसे कि आप इसे जो सूखा फ्राई कर रहे हो तो आप इसे आराम से अपने चपाती, पूरी ये सब के साथ खा सकते हैं। राइस के साथ भी अच्छे से जाती है। इक्वल मात्रा में मैंने ये ग्रीन पीस भी ले ली हूँ। अगर 1 कप आप अगर ब्रोकली ले रहे हैं तो 1 कप ही आप ये हरे मटर ले लें। दोनों इक्वल पोर्शन में लेने के बाद अभी मैं यहाँ पर नमक डाल देती हूँ। करीब 1/2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर नमक डाल दी हूँ। चुटकी भर हल्दी डाल रही हूँ मैं। ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। अभी ये इन सारी चीज़ों को मैं मिक्सअप कर देती हूँ ऐसे। इस वेजिटेबल को पकाने के लिए सच में 5 मिनट्स ही लगती है क्योंकि ये वेजिटेबल में ज़्यादा कुछ नहीं रहती है। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर को बारीक काट के रखी थी वो मैंने डाल दी। टमाटर के बीजों को मैंने नहीं डाली हूँ, उस पोर्शन को मैंने कट कर दी हूँ। सिर्फ मैंने जो टमाटर की सॉलिड पीसेस है वही मैंने ली हूँ और इसे अभी मैं ढक दी करीब 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूँ। जस्ट इसकी जो टमाटर में डाली थी वो नमक में डाली थी, उसके साथ ये कॉपरेट हो जाए इसी वजह से। ये एक लहसुन की कली को मैंने एकदम बारीक से कद्दूकस कर ली थी वो है। लहसुन जो है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन से जो है इसकी स्वाद भी बढ़ जाती है और एक हेल्दी ऑप्शन भी हो जाती है। ये काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च दी हूँ। सारे प्रपोर्शन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया करती हूँ, आप प्लीज़ उसमें एक बार देख लीजिएगा। और इसे जो है मैंने वापस से हिला ली और करीब मैं अभी वापस से 1-2 मिनट के लिए मैं ढक के रखूँगी। और ये जो है एकदम लो फ्लेम में करें इस चीज़ को। ये देखिए ये एकदम से हो चुकी है, ये कंप्लीट हो गई है। मैंने जैसे बोली थी कि ब्रोकली जो है बहुत जल्दी ये पक जाती है, देखिए अच्छे से दब भी रही है, एकदम से बहुत ही अच्छी तरीके से ये दब रही है। अभी ये मेरी जो भाजी है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। आप इसे चपाती के साथ, पूरी के साथ या फिर आप इसे ऐसे ही रोटी के साथ, सूखी रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा रहता है। ये टिफ़िन रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने इसे उतार ली हूँ, अभी मैं इसे सर्व कर ली हूँ। और इसे ये देखिए, ये क्लोज लुक ले रही हूँ आपको मैं। ये देखिए ये इतनी सुंदर दिख रही है, ये देखिए। और इसे मैंने टेस्ट कर ली, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप जरूर इसे अपने घर पे ट्राई करें।